से मुराद जब आप इसको दूर से देखेंगे तो ये पहाड़ जो है बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि ये कोई सो रहा है या सो रही है, यानी कोई इंसान यहाँ पर सो रहा है, उसका नक्शा इस टाइप का बन जाता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है और नेचर है मेरे अल्लाह की, तो इसे देखने का आज इत्तेफाक भी हुआ है। तो चलें आपको दिखाते हैं आगे की एक्टिविटी। बहुत शुक्रिया। ये जी हम आ गए हैं और इस पॉइंट पर हमने अपना बसेरा जो है बसा लिया है। अब्बास भाई चटाई लेके आए और ये शैतान भी हमारे साथ फिर आ गया है। और ये अब्बास भाई का इक्विपमेंट है जो उन्होंने बिल्कुल रेडी किया है आज के पिकनिक के लिए। जी अब्बास भाई जी सर, तो आज आप क्या खिलाना चाह रहे हैं हमें? आप बनाएंगे हमारे लिए। वो तो मैं बनाऊंगा, लाए क्या है आपके? शायद कढ़ाई बनाएंगे या देखेंगे, दम पोक टाइप की एक चीज बनाएंगे, जो चीज आपको मर्जी है। और यहाँ पर नईम लाला जो है इस वक्त काफी भूख लगी हुई है। अच्छा, ये जो भाई लोग आए हैं और ये मेरे ख्याल से जा रहे हैं हाइकिंग के लिए, शूज वगैरह लिए हैं इन्होंने, क्योंकि ये हाइकिंग का एक पॉइंट है और सबसे बेस्ट है ये हाइकिंग के लिए। बड़ा ज़बरदस्त गोश्त है अब्बास भाई लेकर आए हैं और ये खालिस दुम्बे का कोयटा की जो जान है वो वाला गोश्त है। ये बड़े स्पेशल प्लेस से लाए, पता है आपको अब्बास भाई? नो डाउट इसमें कि बहुत ज़बरदस्त है ये, और इसको आज हम बनाने जा रहे हैं बगैर घी तेल शेल के। क्या बना रहे हैं? दम पोख्त। बस हम बनाएंगे जो क्वेटा का मशहूर और ट्रेडिशनल जो है रोश, उस टाइप का बनाएंगे। क्वेटा का ट्रेडिशनल रोश बना रहे हैं जी। ऑनियन आपको पता है, प्याज पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी काखती है और मिल तो नहीं रही प्याज बिल्कुल, तो हरी प्याज से आज करेंगे स्टार्ट और अपनी कुकिंग जो है
हरी प्याज से स्टार्ट करेंगे, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। अरे यार अब्बास भाई, प्याज तो प्याज वैसे होती तो है। दूसरे गोल प्याज से स्टार्ट होती है ना, गोल प्याज महंगे बहुत है भाईजान आजकल, तो आज इस पे गुजारा होगा। ये हमारी तरफ से एक इत्तेजाज भी रिकॉर्ड हो जाएगा अब्बास भाई, चले प्याज मिल नहीं रही क्या करे। जैसे वो काटते है ना ऐसे, इसको कहते हैं ना, और इसका जो अलग मजा है ये आप इज्जत भाई ने साबित हरी प्याज डाल दी है, शायद आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और वाह 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 वाह, क्या खुलाड़ा है। चलो भाई, थोड़ा जोर से मारता था ना हमारे देखला भी पारे हो जाता। अच्छा रख प्याज के साथ आपने एक टमाटर भी डाला जी, एक टमाटर बस 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 बस, एक टमाटर नहीं मिला सर, राखी सर यहाँ से खोल लेते हैं क्योंकि हम लोग रोज बना रहे हैं अब्बास भाई, उसमें थोड़ा सा ये ज्यादा डाला। नींबू दे दो, नहीं मिला नींबू, नईम लाला की तरफ से एक शेर सुना देता हूँ। नईम लाला इरशाद, लकड़ी जल कर कोयला बनी, कोयला जल कर राख, हम तो सनम ऐसे जले ना कोयला हुए ना राख। वैसे डाल के साबित आलू डल गया ये। पानी ऐड करेंगे तकरीबन कितना, एक गिलास, ये तकरीबन आधा लीटर, आधा लीटर का पानी इसमें डलेगा। पानी ज़्यादा वो फसला नहीं है, इसमें ऑयल नहीं है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल इसका अपना फैट जो है, अपना जो चर्बी है उसी में पकेगा। तो इसे भाई आपने नमक लाओ, इसका ढक्कन लाओ कमांडो, ढक्कन दो कमांडो, सीटी इसको बोलते हैं, सीटी पकता है, सीटी कहाँ है, सीटी 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 गुड। ये हुई ना बात, नहीं मिला फुल कर दो, फुल है बाबा फुल है। टाइम देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो गाड़ी में दिखाओ टाइम हो गया, टाइम टाइम नोट कर लिया, एक घंटे के बाद देखेंगे, एक घंटे के बाद, एक घंटा या 50 मिनट, कीमा जो पड़ा हुआ ये इसका इसके बाद देखेंगे प्रोसेस। अच्छा जी, अभी हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी पर, तो वहाँ से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं। तो ये एक पहाड़ी बकरा है, किसको बकरे को, इसका गोश्त पकता नहीं है, गोश्त काफी मीठा होगा, क्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रोफेशनल हाइकर हैं, हाइकिंग हाइकिंग अगर सीखनी हो तो इनसे सीखें। चढ़ा दिया पहाड़ पर, चली गई नीचे, आपको मैं दिखा रहा हूँ।
फिर हम सनसेट के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ आते रहेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर आते रहेंगे, हमारा इनके साथ रिश्ता हो गया है, ये जो पहाड़ी वाले हैं, अब यहाँ आते रहेंगे स्लीपिंग ड्यूटी पे। चलो मेरा यूट्यूब चैनल इज्जत ट्रेवल स्टोरी, और आज हम आपको रिव्यू देंगे अब्बास भाई के साथ। अब्बास भाई जी, भाई ये आपने कहाँ से परचेज किया है ये जो पिकनिक? इज्जत भाई, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीलॉग बनाया है। अच्छा, ये डबल रोड में है, नेटो मार्केट बोलते हैं। नेटो नेटो अच्छा, तो ये काफी सारे आइटम। अच्छा अच्छा, तो ये कितने पीस का है? इसमें चार कुर्सी है, एक टेबल है, ये मुझे मिला है। अच्छा, एक कुर्सी तो ये ही, ये रही एक कुर्सी, ये कुर्सी वो रही, वो और तीसरी, वो तीसरी वो रही, और चौथी पता नहीं किस तरफ है। चौथी कुर्सी किधर है? इधर में। अच्छा, और ये इसके साथ टेबल भी है? इसके साथ टेबल भी है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस मुझे मिली 10,000 तकरीबन। 10,000 में तो ये अच्छा है ना पिकनिक के लिए? बड़ी मुनासिब है कि हम लोग पिकनिक पे, आप पिकनिक पे कहीं जाते हैं और वहाँ बैठने की जगह नहीं होती, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त, में आप गिलास भी रख सकते हैं, गिलास वगैरह भी, कॉफ़ी वगैरह, चाय बना के अगर आप नहीं आ रहे। कुर्सियाँ स्पेशली उसके लिए बनी है, उसमें दिखाओ ज़रा, मैंने प्याले रखे हैं, आप इस तरह प्याले भी रख सकते हैं टेबल में। बड़ा ज़बरदस्त इक्विपमेंट है ये अपना पिकनिक के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कुर्सियाँ स्पेशली उस चीज़ के लिए बनी है जो आप फिल्म शूट करते हैं। अच्छा अच्छा, उसके लिए बना वो जो फिल्म डायरेक्टर वगैरह करते हैं, तो आप बैठे उसके लिए आपको ऊपर वो जो अम्ब्रेला आती है वो भी है, सही, टेंट वगैरह वगैरह, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और एक दो फिर हमारे जो प्रेशर कुकर है, सेंसर दिखाएं व्यूअर्स को, सेंसर। नईम लाला का खास सलाद तैयार हो गया है। नईम लाला दिखाओ सलाद, नींबू भी डालो, नींबू डाल के हरी मिर्च काट करके, हल्दी और काट के मिक्स करके, अनबॉक्सिंग होगी अभी। नहीं लाला खाने के बाद करेंगे सर। चेक करता हूँ इज्जत भाई की रेसिपी, माशाल्लाह क्या बात है यार। यार आलू तो तकरीबन गल गया है, लेकिन गोश्त जो है गला हुआ है, जानू गला हुआ है, मालूम है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। मुझे तो लग रहा है काफी टेस्टी, अभी देखते हैं। ऐसा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मसाले हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किए, और वो स्पेशली नान में ले आया हूँ। एक ये जो है एक नान कितने का लेते हैं? तो बिस्मिल्लाह करें जी, आ जाए बैठ करें। जी जी जी, अब्बास भाई टेस्ट करके बताएं। एक मिनट, गोश्त कैसा है? गोश्त तो गल गया है, टेस्ट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त। बिस्मिल्लाह जी, हमारा जो स्पेशल क्वेटा का रोस्ट है, वाह जावेद, ये हमारा जावेद कमांडो है और ये हमें सर्व कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। जावेद थोड़ा सा शैतान है, लेकिन है अच्छा बंदा। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं, कर रहे हैं, ये देखें दूसरा वाला भर लो, कितना टेंडर, कितना ज़बरदस्त पका हुआ है अब्बास भाई। कर
ये जी हमारा माशाल्लाह स्पेशल रोश, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें इतना गोश्त पक चुका है कि बिल्कुल। ये जी हमारी ग्रीन टी तैयार हो गई है। बस भाई अब्बा अपना जावेद और टी इज फैंटास्टिक। मेरे लिए भी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए थे यहाँ सनसेट क्वेटा और बहुत काफ़ी पसंद आई और अब्बास भाई का बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ लेकर आए। वो मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता था। क्वेटा में रहते हुए तकरीबन 8-9 साल हो गए, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह और इतनी ज़बरदस्त जगह, और यहाँ हमने पिकनिक और ये देखा खाना वाना और कुक किया हमने, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आ चुके हैं क्वेटा, जो सनसेट जिसको कहते हैं सनसेट पॉइंट, पिकनिक पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त। मेरे आप पीछे आप देख सकते हैं फैमिलीज़ और काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। बड़ा ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है ये, और ये इनकी लोकेशन है। पीछे कैंटीन वगैरह भी है, बैठने की जगह भी है। तो पिकनिक के लिए मौजू है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम वहाँ से ख़त्म करके भी लोग यहाँ आ चुके हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है और अच्छा पॉइंट है। शाह नहीम लाला शेर इरशाद लाजमी था। खाने के बाद नहीम लाला ने वादा किया था कि मैं शेर सुनाऊंगा। अच्छा जी, पश्तों में इरशाद। जी जी इरशाद इरशाद। زلګی می داسې یا ایسی واخلم دغه قرآن په سر کېږدم زه سمدینې ته روان
وایم پاک رسول ته څه په موږ مې را باندې ځنا ورو ثواب دی غرو کې کړه دا زړه مې لکاره ریش دی په جوش راغلی دا ماشاء الله ماشاء الله بہت زبردست شعر سنایا ہے نعیم لالا نے پشتوں میں اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اچھا یہ جو ایریا ہے یہ سن سیٹ کوئٹہ کینٹ کا ایریا ہے اور اب ہم یہاں سے جو ہے واپسی جا رہے ہیں